रूस और यूक्रेन की जंग पूरी दुनिया ने देखी, कैसे अमेरिकी समेत यूरोपीय देशों ने रूस पर कई प्रतिबंध लगाए, जिसके बाद रूस ने पूरी ताकत के साथ कच्चे तेल को पूरी दुनिया में सस्ते दामों पर बेचना शुरू किया। भारत और चीन जैसे देशों ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और जमकर सस्ता तेल खरीदा। लेकिन इसका दूसरा असर ये भी हुआ कि भारत ने सऊदी अरब से तेल खरीदना कम कर दिया। भारत ने तेजी से सऊदी अरब से आने वाले तेल की खरीदारी में कटौती की। जाहिर सी बात है, सऊदी अरब को ये बात अच्छी नहीं लगी और इसी के चलते अब सऊदी अरब ने भारत समेत दुनिया के देशों को झटका देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सबसे पहले जानते हैं कि सऊदी अरब ने आखिर क्या कदम उठाया है, उसके बाद आपको बताएंगे कि भारत पर इसका क्या असर होगा। दुनिया भर में मंदी की आशंका के बावजूद कीमतों को बढ़ाने के लिए सऊदी अरब ने तेल उत्पादन में रोजाना 10 लाख बैरल की और कमी करने का फैसला किया है। विश्लेषकों के मुताबिक सऊदी के उत्पादन में कटौती का फैसला सभी के लिए चौंकाने वाला है। सऊदी अरब ने इसके साथ एक और बड़ा फैसला किया है कि वो साल 2024 तक प्रतिदिन 14 लाख बैरल कटौती को आगे बढ़ाएगा। इस फैसले का असर वैश्विक स्तर पर क्रूड में तेजी के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें, ओपेक प्लस का दुनिया के कच्चे तेल में करीब 40% हिस्सा है और इसके फैसलों का तेल की कीमतों पर बड़ा असर पड़ता है। ओपेक प्लस 13 तेल उत्पादक देशों का संगठन है, जिसमें सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, रूस, ईरान, इराक, कुवैत आदि देश शामिल हैं। अब समझने की कोशिश करते हैं कि सऊदी अरब के इस कदम से भारत पर क्या असर होगा। इस कटौती से भारत जैसे इम्पोर्टर देशों के लिए परेशानी बढ़ सकती है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल इम्पोर्टर देश है। भारत की अर्थव्यवस्था तेल पर काफी निर्भर करती है। इस ऐलान से पहले सस्ते क्रूड से भारत में उम्मीद थी कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती होगी, लेकिन सऊदी अरब के इस फैसले से भारत को झटका लगा है। ऐसे में भारत में ईंधन की कीमत समीक्षा में देरी होगी। भारत में 14 महीने से पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर हैं, लेकिन इस फैसले के चलते आने वाले दिनों में भारत में तेल की कीमतों में अनिश्चितता देखने को मिल सकती है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।